XL7 ये एक ऐसा नाम है जो इंडिया में हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और दो XL7 के एग्जांपल्स हैं एट दी बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। यस एग्जैक्टली लाइक दी XL6 जो इंडिया में बिकती है। 6 का मतलब क्या है कि गाड़ी है 6 सीटर, बट 7 का मतलब क्या है कि गाड़ी है 7 सीटर। ऐसा क्यों? बिकॉज अंदर एक्सक्यूज द बैग, वो मेरा बैकपैक है, अंदर यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सीट्स नहीं मिलती हैं XL7 में, आपको एक बेंच मिलता है। सो 2, 3 और 2, जिसका मतलब है कि 7 सीटर गाड़ी बन जाती है, और इसका नाम है XL7। ये काफ़ी एशियन मार्केट्स के अंदर बिकती है इंक्लूडिंग दी थाईलैंड मार्केट, और यहाँ पे है एट दी बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। होंडा के पवेलियन से हमने आपको दिखाया था WRV नई वाली, और अब दिखाते हैं XL7। दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन एंड ये है स्टॉक XL7, एग्जैक्टली लाइक द मॉडल जो इंडिया के अंदर बिकता है। कलर ऑप्शन ऑफ कोर्स वेरी करती हैं, बट जो अपडेटेड मॉडल है इंडिया के अंदर वो ऐसा ही दिखता है जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था। वंस मोर दिस इज द स्टॉक XL7, यहाँ से एग्जैक्टली लाइक द XL6 इंडियन मार्केट का है। चाहे बात करूँ मैं डायल्स की, या मैं स्टेयरिंग व्हील की, या मैं सीट्स की, वो एग्जैक्टली सेम है इज द इंडियन मॉडल, बट यहाँ पे जाके once again the differentiation factor comes. However, for the Indian market, XL6 is doing very well because yahan pe aapko independent seats milti hain, so comfort level goes up drastically high for 2 seats. But one more seat ke liye I think Maruti ko as an option XL7 ko India mein launch karna chahiye. Nexa ke andar gaadi aa sakti hai, and yahan pe aapko agar aap bench lete hain to aapko one more seat mil jati hai, uske alawa sab kuch same hai. This is a modified version in the sense ki jo uske अलॉयज है, जो टायर साइज है वो बड़ा करा गया है, समथिंग दैट आई हैव डन ऑन माय ओन व्हीकल, सो डिफरेंस इज अपेरेंट। ये एक स्टॉक व्हील के साथ गाड़ी है, दीज आर विद द आफ्टर मार्केट अलॉयज। 18 इंच का इसका साइज है टायर्स का, एंड जो विथ है 225 मिलीमीटर, सो यू कैन मेक आउट की डिफरेंट सेट ऑफ अलॉयज एंड टायर्स कैन गिव अ डिफरेंट आइडेंटिटी टू द कार। वो नॉर्मल XL7 है, ये मॉडिफाइड है विद द किट बाय द वे। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा द स्पेशल कैफे एडिशन ऑफ दिस स्विफ्ट, इसका एक डिफरेंट वीडियो करेंगे, बट जस्ट वांट टेल यू कि ये वीडियो भी आने वाला है। बैक टू दी XL7, इंडियन मार्केट में ये वाला सेगमेंट काफ़ी खाली है, काफ़ी नेसेंट है, एंड मारुति को देखना चाहिए कि अगर XL7 लॉन्च करेंगे, शायद पीपल हु वॉन्ट वन मोर सीट विल डेफिनेटली ऑप्ट। फिलहाल ये सीट मैंने पूरी फीचर करी हुई है, बट तब भी यहाँ पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस रहता है फॉर किड्स, यू कैन टेक द सीट फॉरवर्ड ऑफ कोर्स, और समथिंग दैट दी XL6 is known for ample amount of boot space, and of course these are concealed hidden spaces. अगर आप ये निकाल देते हैं तो आपके 2 सूटकेस यहाँ पे आराम से खड़े हो सकते हैं, and of course you can fold on the seats as well. और seats fold करने के बाद more and more space. So गाड़ी वही है जो इंडिया के अंदर बिकती है, चाहे टेल लाइट्स हो, चाहे फ्रंट एंड हो, चाहे इंजन हो, सब कुछ सेम है 1.5 लीटर। बट मारुति को आई डेफिनेटली फील, पर्सनली फील कि ये गाड़ी ऑप्शन देनी चाहिए एट दी नेक्सा आउटलेट्स की। आपको सेकंड रो के अंदर बेंच चाहिए, आपको सेकंड रो के अंदर इंडिपेंडेंट सीट्स चाहिए। मारुति इफ़ यू आर लिसनिंग, प्लीज़ प्लीज डू दिस, एंड ऑफ़ कोर्स बिकॉज ये मॉडिफाइड है, ये डिफरेंट कलर है, डिफरेंट अलॉयज हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सीट फैब्रिक, कहीं ना कहीं लाइक द कैफे मोका ऑफ दिस स्विफ्ट, जो बाद में आपको दिखाऊंगा इन डिफरेंट वीडियो। ये चीज़ इंडिया में नहीं आती, जो फिनिश यहाँ पे दी गई है स्लाइटली डिफरेंट है, इवन दी आउटर फ्रेम फॉर दी इंफोटेनमेंट स्लाइटली डिफरेंट, बट अदरवाइज गाड़ी वही है, डूइंग वेरी वेल इन द इंडियन मार्केट, एंड द सेम गोज फॉर दी अदर एशियन मार्केट जहाँ पे गाड़ी पॉपुलर है। XL7 स्टॉक एंड XL7 मॉडिफाइड, डेफिनेटली माई पिक इन टर्म्स ऑफ द वर्सेटैलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी फ्रॉम द सुजुकी पवेलियन एट द बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो।